नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट बेकाबू हो चुका। लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए लोगों ने देश छोड़ने जैसे कदम उठाने शुरू कर दिए। आलम यह है कि पेट्रोल डीजल सेना के साए में बिक रहा है। अपना और परिवार का खर्च उठाने में अक्षम लोग अब भारत का रुख करने लगे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को श्रीलंका से 16 तमिल नागरिक देश छोड़कर तमिलनाडु के तट पर पहुंचे। 4 महीने के नवजात शिशु के साथ पहुंचे इस परिवार ने नाव से भारत आने का फैसला किया था। नाव से आए इन लोगों को तटरक्षक बलों ने उन्हें रेस्क्यू किया। इसके अलावा अन्य लोग भी श्रीलंका से नाव के जरिए तमिलनाडु के तट पर पहुंचे। तमिलनाडु के तट पर पहुंचे श्रीलंकाई लोगों ने बताया कि देश के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि ज्यादातर लोग बेरोजगार हो चुके। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही। सेना लाइन लगाकर पेट्रोल और डीजल बेच रही है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई कि 2 टाइम की रोटी भी नसीब हो जाए यह भी मुश्किल हो रहा है। लोगों को नौकरी से भी निकाला जा रहा। हम दिखाते रहे खबर आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।